तो पावर बी आई पे हम किस तरह से अपना आईडी बनाएंगे, ये चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पावर बी आई की साइट पे जाना पड़ेगा, powerbi.com पे, powerbi.microsoft.com। और उस पे जाने के बाद आपको यहाँ साइन अप फ्री दिख रहा होगा, ट्राई फ्री पे क्लिक कीजिए, पावर बी आई ट्राई फ्री पे जाइए। यहाँ आपको ईमेल आईडी बोलेगा, जैसे मैं डाल दीजिए ryanrayan@iptindia.com। इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि डोमेन आईडी होती है रान जी, मतलब कि इसमें आप पब्लिक आईडी, जैसे कि पब्लिक का होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका ईमेल आईडी वगैरह, वो नहीं चलेगा। हाँ, वो जैसे कि जीमेल या वो वगैरह नहीं लेते, इसमें कंपनी की आईडी चाहिए होती है। नेक्स्ट माय ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट नहीं, प्रश्न मत कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा फिर नहीं करेगा। अब यहाँ आपका नाम पूछता है, यहाँ पे रियान हम कर देते हैं, और क्या लिखते हैं इसमें, के डब्ल्यू के एच ए, यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट नेम में, एच ए डब्ल्यू के एच हैश ए, नहीं हैश नहीं लिखा, स्पेशल लिखा था, एच 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 हॉर्स वाला एच, एच ए डब्ल्यू के, हाँ ये मेरा निकनेम है। ये आ गया नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर बताइए सर। 6 3 9 6 9 6 0 0 7 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
ओके हाँ हाँ अभी वो पूरा यहाँ पे हम देते हैं अपना पासवर्ड। मैं पासवर्ड आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा फिर पासवर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से बना। अब यहाँ आता है वेरिफिकेशन कोड। अभी वेरिफिकेशन कोड आता है आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है, ये रहा वेरिफिकेशन कोड। तो कंपनी के जो ईमेल मेल आएगा वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे ओके करके आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही आगे साइन इन की तरफ बढ़ते बढ़ेगा, आपका कंफर्मेशन डिटेल करेगा। ये देखिए आपका आईडी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वेरीफाई करने को बोलेगा नहीं। अब इसके बाद आप पावर बी आई के साइन इन पे चले जाएं। साइन इन करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि मैंने जो साइन अप किया तो अपने आप आ गया, अपने आप आ गया पहले ही साइन अप, ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो पावर बी आई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पावर बी आई का लॉग इन बच्चों ऐप डॉट पावर बी आई डॉट कॉम खुल गया ना सर। तो ऐप डॉट पावर बी आई डॉट कॉम क्या है? आपका पावर बी आई का वेब कंसोल है, ये आपका वेब कंसोल है। अब यहाँ जो भी रिपोर्ट्स डालेंगे ये आपके माई वर्क स्पेस में चलाएगा और उस रिपोर्ट को आप क्लिक करके ईजिली ओपन कर सकते हैं, समझे? ओके तो क्या होता है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर बी आई डेस्कटॉप पे जाएंगे। पावर बी आई डेस्कटॉप, जब पावर बी आई डेस्कटॉप खोलेंगे आपको तो आपको क्या दिखेगा, आपको खुलते ही आपको पूछेगा साइन इन करने के लिए, तो आपको वहां पे साइन इन करना है। ओके
ठीक है। तो यहाँ पावर डेस्कटॉप पे साइन करके अपना रिपोर्ट बनाए के जैसे ही पब्लिश करेंगे वो आपको यहाँ माई वर्क स्पेस में आ जाएगा। यहाँ अब यहाँ पे मेरा साइन इन है, आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन रहेगा, नहीं तो ऊपर आपको दिख रहा होगा सुजीत कुमार, दिख रहा है ना जी। यहाँ पे आपको साइन इन करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर बी आई को खोलेंगे और सबसे पहले आप करेंगे साइन इन। और साइन इन में जो आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तो आईडी तो आपको पता है क्या है, ryan@ipt india.com। और जो इसका जो पासवर्ड है ये मैंने आपको भी जस्ट व्हाट्सएप कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको ईमेल आईडी का कंसोल वही मिल रहा है, मैं ईमेल आईडी कंसोल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पावर बी आई मतलब है आगे चल के जब आपको कभी पासवर्ड भूल जाते हैं पासवर्ड रिकवर करना होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं पासवर्ड रिकवर कर दूंगा, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने आपको भेज दिया, तो इस आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन करेंगे और अपना रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पब्लिश दिख रहा है ना सर जी, पब्लिश क्लिक करेंगे और उसमें माई वर्क स्पेस को सिलेक्ट करके जब पब्लिश करेंगे तो आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट पब्लिश होके कहाँ आ जाएगा, वेब कंसोल पे, यहाँ से माई वर्क स्पेस पे। यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल, दिख रहा है आपको कोई नहीं है, कोई नहीं है अभी। ठीक है, क्लियर सर? हाँ क्लियर सर, इस बार अच्छे से क्लियर हो गया। और उसके बाद इस बोर्ड को देखेंगे, तो पहले आप इसको फाइनल कर लीजिए, ठीक, फिर हम पीआई को स्टार्ट करेंगे।